हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद रिगार्ड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस लीगल रीजन से भी डिस्कस करेंगे और लीगल एप्टीट्यूड से भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए कोई टाइम स्पेसिफाई ना किया गया हो एग्रीमेंट में, तो वो जो प्रॉमिस है उसको कितने टाइम के अंदर अंदर फुलफिल करना होता है। देखिए, अगर एग्रीमेंट में दिया गया है कि इस प्रॉमिस की परफॉर्मेंस 2 साल के अंदर हो जानी चाहिए, तो फिर आपको इसी टाइम के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। पर अगर कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन्ड है, तो फिर कोर्ट देखती है रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस। जैसे कि अगर कोई एग्रीमेंट है विद रिगार्ड टू पेरिशेबल गुड्स जो कि समय के साथ जल्दी खराब हो सकते हैं, तो उसमें रीजनेबल टाइम कोर्ट के हिसाब से होगा कम। पर अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जिनके लिए एग्रीमेंट किया गया है जो कि नॉन पेरिशेबल है, जो कि टाइम के साथ जल्दी खराब नहीं होते, तो उनके लिए रीजनेबल टाइम पीरियड देखा जाएगा वो होगा थोड़ा ज्यादा। तो अगर टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में, तो प्रॉमिस की परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम कंप्लीट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है दोस्तों माइनर से रिगार्डिंग। आप जानती होंगी कि एन एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, पर इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसे नेचर का है जो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर एंटर किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माइनर चाहे तो इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट में जाके। जैसे कि ए ने, जो कि गार्जियन थे बी के, बी वाज़ द माइनर और ए उसके गार्जियन थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया सी के साथ जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसमें बोला गया कि जो बी के पास प्रॉपर्टी है अगर वो जल जाती है और वो डैमेज हो जाती है, तो उसका क्लेम सी, सी की जो कंपनी है वो देगी। और बाद में ऐसा भी हुआ और बी की प्रॉपर्टी जल गई। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हुआ था ए और सी के बीच में, ए गार्जियन थे बी के। अब प्रॉपर्टी जल गई है, तो अब बी चाहे, जो कि माइनर थे ऑल्दो, बी चाहे तो उनसे इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम कर सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, क्योंकि बी थे माइनर पर उनकी बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट एंटर किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि ए प्रपोजेस बाय लेटर, ए ने प्रपोजल दिया, ऑफर दिया अपना घर बेचने के लिए बी को। तो अब ये पूछ रहा है कि ए अपने इस प्रपोजल को कब रिवोक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ए ने ऑफर दिया है बी को, तो बी अपने ऑफर को चाहे तो तब तक रिवोक कर सकते हैं जब तक बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको डिस्पैच ना कर दें। अगर आज उन्होंने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कुरियर के लिए लगा दिया है, तो अब ए अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर पाएंगे। तो आंसर होगा बिफोर डेट टाइम व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल, दैट इज ऑप्शन सी। अगला है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या फिर प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाता है। तो दोस्तों, किसी ऑफर को या किसी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट तब माना जाता है जब वो एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाता है। जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया, तो ये ऑफर तब कंप्लीट माना जाएगा जब बी की नॉलेज में ये ऑफर आ जाएगा, जब बी को इसके बारे में पता लग जाएगा, जब बी को इसके बारे में ज्ञात हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। agla hai doctrine of privity of contract se related। aap jante hi honge ki doctrine of privity of contract ye kehti hai ki agar a aur b ke beech mein contract hua hai, to a aur b hi usse related action le sakte hain, koi stranger to a contract usse related action nahi le sakta hai। par iske kuch exceptions hote hain, jiska one of the exceptions hai family settlement। wo kya hota hai, jaise ki a the, a father the aur inke 3 bacche the, 2 बेटे थे बी और सी। एक फैमिली सेटलमेंट के थ्रू उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बी और सी को दे दी, पर कंडीशन ये रखी कि बी और सी पर मंथ डी जो है, उनकी जो बेटी थी, बी और सी दोनों 10,000-10,000 रुपए देंगे डी को हर महीने। पर क्या हुआ, कुछ समय बाद सी ने 10,000 रुपए देना बंद कर दिया डी को। तो डी चाहे, ऑल्दो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो ए और बी और सी के बीच में हुआ था इसके लिए स्ट्रेंजर थी, पर ये एक फैमिली सेटलमेंट था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन था। तो डी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है अगेंस्ट सी, और बोल सकती है कि भाई सी मुझे 10,000 रुपए दे पर मंथ, जो कि उसने प्रॉमिस किया था ए को अंडर द फैमिली सेटलमेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है एन एग्रीमेंट विच पुट्स एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड, ये प्रिंसिपल कहता है। अब बात क्या हुई कि एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और ये भी एग्री किया गया कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्स वाई को सू नहीं करेगा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिल्ली। मतलब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दिल्ली की अदालत में कोई भी केस उसके खिलाफ फाइल नहीं किया जाएगा। और बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी,
तो आपसे पूछ रहे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में क्या ये वॉइड है क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रेंट लगाया गया है लीगल प्रोसीडिंग्स पे, या ये वैलिड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं लगाया गया। इसमें ये नहीं कहा गया कि भाई अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तू मुझे सू ही नहीं करेगा किसी भी अदालत में। उसमें खाली ये बोला गया कि तू दिल्ली की अदालत में मेरे ऊपर केस नहीं डालेगा, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये वैलिड हुआ है। पर अगर ये केस होता उसमें ये बोल दिया जाता कि तू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तू मेरे खिलाफ कोई केस ही फाइल नहीं कर सकता, तो फिर माना जाता कि उसमें एब्सोल्यूट पूर्णता पूर्ण तरीके से एक रिस्ट्रेंट लगाया गया है लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो तब वो वॉइड हो जाता। पर अभी पूर्ण रूप से कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाया गया है, खाली दिल्ली की अदालत से जुरिस्डिक्शन को बाहर रखा गया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो आंसर होगा एक्स कैन सू वाई एज कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड एंड नो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वॉज प्लेस्ड। अगला है कि अगर कंसेंट लिया जाता है किसी भी बंदे का ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्सन तो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता। तो अब इस केस में दोस्तों क्या हुआ था कि भाई प्रिंसिपल थे स्कूल का, उन्होंने बोला कि भाई मैं आपके बच्चे को तभी अपने स्कूल में दाखिला दूंगा अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लें कि आप कुछ पैसे डोनेट करेंगे स्कूल को, ठीक है, मैं तभी दूंगा दाखिला जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि हाँ आप कुछ पैसे डोनेट करने वाले हैं स्कूल को। और जो पेरेंट्स थे बच्चे के उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि उस साल कोई और स्कूल उनके बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहा था, और ये बात इस प्रिंसिपल जो था इस स्कूल के उसको अच्छे से पता थी। तो दोस्तों ये जो कंसेंट इन्होंने दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके स्कूल को कुछ डोनेशन देंगे, तो क्या ये वैलिड कंसेंट है? दोस्तों ये वैलिड कंसेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया गया है, ये वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो प्रिंसिपल थे स्कूल में वो एक हायर बार्गेनिंग पोजिशन में थे, उनको पता था ये बात अच्छे से कि भाई इनके पास कोई और चारा नहीं है, ये मेरे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे क्योंकि और कोई स्कूल एडमिशन दे ही नहीं रहा है। तो ये जो कंसेंट लिया गया है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया गया है क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वॉज एट अ हायर बार्गेनिंग पोजिशन, एक तरीके से जो सारे दाव पेश थे उनके हाथ में ही थे, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत ये कंसेंट लिया गया है, तो ये वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगला है कि अगर म्यूचुअल मिस्टेक हो विद रिगार्ड टू फैक्ट्स एसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। जैसे कि मैं आपको घोड़ा बेचना चाहूँ और आप समझे मैं आपको गधा बेच रहा हूँ, तो वो एक म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि किशोर गया एक ज्वेलर के पास जिसका नाम था जे, और उसको अपना जेम बेच दिया 5,000 रुपए के लिए, एक स्टोन था उसको बेच दिया 5,000 रुपए के लिए क्योंकि उसको लगा कि वही उसकी वैल्यू है, असल वैल्यू है। और बाद में जे को पता लगता है जिसको उसने बेचा है जिस ज्वेलर को कि भाई इसकी कीमत तो 30,000 रुपए थी, और किशोर को भी ये बात पता लग जाती है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, उसकी कीमत तो 30,000 रुपए थी, मैं 5,000 रुपए में बेच के आ गया। अब किशोर उसको ऑफर देता है कि भाई सुन तू मैं तेरे से खरीदना चाहता हूँ 7,000 रुपए कि मैं तेरे से अभी अपना जेन जो मैंने तेरे को बेचा था वो 7,000 रुपए में वापस खरीदना चाहता हूँ। पर वो मना कर देता है, जे बोलता है मैं पागल थोड़ी हूँ, 30,000 रुपए कीमत है, मैं 7,000 रुपए में क्यों दूंगा तुझे। तो अब वो किशोर जो है उसके खिलाफ केस डाल देता है और बोलता है कि भाई ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले वाला वो तो वॉइड था क्योंकि हम दोनों को ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, क्योंकि उसकी कीमत स्टोन की जो असल कीमत थी वो 30,000 रुपए थी, जबकि हम दोनों को ही ये लगा कि वो 5,000 रुपए का है। तो दोस्तों नहीं, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं माना जाएगा क्योंकि इट इज नॉट अ फैक्ट एसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, खाली जो मिस्टेक रही वो उसकी कीमत के रिगार्डिंग थी, खाली उन्हें कीमत के खाली जो मिस्टेक थी वो कीमत के वजह से मिस्टेक थी, क्योंकि एक को लगा, दोनों को लगा वो 5,000 रुपए का, जबकि उसकी असल कीमत 30,000 रुपए थी। सो इस केस में द कॉन्ट्रैक्ट जो उनके बीच में हो रहा वो वैलिड माना जाएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि जो मिस्टेक थी वो खाली कीमत को लेकर थी, वो ऐसा नहीं था कि वो बेचने गया जेम, बेचा उसने स्टोन, पर दूसरे वाले को ये लगा कि नहीं वो जो बेचना है वो सोने की अंगूठी है। अगर ऐसा होता तो वो एसेंशियल फैक्ट होता टू द कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर ऐसी बात है कि आप अपनी 2,000 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच के चले आए और बाद में आपको लगा कि नहीं वो तो 2,000 रुपए की थी, तो आप जाके ये बोल सकते हैं कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि मुझे तो इसकी असल कीमत ही नहीं पता थी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है टेंडर को लेके, जो टेंडर निकाले जाते हैं न्यूज़पेपर में दोस्तों वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब जो जो उस टेंडर को भरना चाहता है वो अब अपना ऑफर देता है बिड लगा के कि भाई मैं आपकी ये चीज 2,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, 5,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो अब आप ऑफर देते हैं। वो टेंडर जो निकाला जाता है, इश्तिहार निकाला जाता है, वो खाली इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता है।
अगला है कि कंसिडरेशन, मैं आपको बताना चाहूंगा कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी के लिए कुछ किया हो और वो आज आपको बोले कि ठीक है आपने पास्ट में मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया था, उसके लिए मैं आपको आज 2000 रुपए देना चाहता हूँ, तो वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। या फिर कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है या फिर फ्यूचर भी हो सकती है, आपको वो आज कुछ पैसे दे दे इस बात के लिए कि भाई आप फ्यूचर में मेरे लिए काम कर देना। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगला है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एक एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों राइटिंग, एक रिटन में हो कॉन्ट्रैक्ट यही जरूरी नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बाकी सारी चीजें तो जरूरी है। कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको और अच्छे से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।